आज की बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के खिलाफ बताया और बीजेपी पर निशाना साधा। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल को लेकर यह दलील दी गई है कि इससे और अधिक महिलाएं संसद और विधानसभा में चुनकर आएंगी। इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? इनका प्रतिनिधित्व संसद में काफी कम है। सांसद ओवैसी ने कहा कि देश में 7% मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन इस सदन में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 0.7% ही है। आज की दूसरी बड़ी खबर देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। इससे लेकर शहर तक हर खबर आप तक, सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।